दोस्तों, मैं रोहित विश्वकर्मा डीवीएस परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम वॉइस की बात किए थे और उसी डिस्कस को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक होगा आपका जो नेगेटिव है, उस नेगेटिव का हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या? नेगेटिव सेंटेंस जो होता है इसका हिंदी होता है नकारात्मक, जिसे हम निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो मैंने बताया था, चेंज इन द स्ट्रक्चर द बट मीनिंग डज नॉट चेंज। तो मैंने कहा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को जब हम चेंज करते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं, और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम उसे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर से हम उस पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर हम खेलेंगे, स्ट्रक्चर से क्या करेंगे, हम उससे खेलेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। मैं क्या करूंगा, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को हम उठाकर हम सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हम चेंज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, और मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर उसके ठीक बाद हम सजेस्टिव प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, सजेस्टिव प्रीपोजिशन, और उसी के ठीक बाद हम इस जो सब्जेक्ट है उसको एजेंट के रूप में हम डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, एजेंट के रूप में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बात समझ में आई इतनी? तो हम इसी माध्यम से हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इसे हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। हम एक्टिव वॉइस में हम एवी से बात करेंगे और पीवी से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। चलो हम इसे बदलने का प्रयास करते हैं। हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस एक प्रकार का टेंस है, और इस टेंस में हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, इस फूड को लिया, यानी फूड को एज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बनाया इसको फूड, क्या बनाया, फूड। तो डज के स्थान पर हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इज, क्या हो जाएगा, इज, और इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट, इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। मैंने कहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ईट एट इटन, ईट एट इटन, तो आपका इटन क्या है, आपका थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, ईटन, ठीक है ना। हम उसके बाद क्या करते हैं, सजेस्टिव प्रीपोजिशन, तो मैंने क्या कहा था, बाई का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ईटन के ठीक बाद हम क्या लगाएंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? उसके बाद राम आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था, तो ये जाके आपका आप बाई के बाद एजेंट के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा, ये क्या हुआ आपका, पैसिव वॉइस। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, वी डू नॉट रीड द बुक ना, तो द बुक आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, द बुक, डू के स्थान पे क्या रखेंगे, इज, उसके बाद क्या रखेंगे, नॉट, उसके बाद रीड रीड रीड, ये आपका क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो रीड का रीड ही होगा आपका क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद रीड के बाद हम सजेस्टिव प्रीपोजिशन ठीक यही बाई का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाई। उसके बाद वी का सब्जेक्टिव केस है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस, क्या होगा, अस,
बात समझ में आई, ये भी क्या हुआ आपका पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो जब इसी को हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस के रूप में हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। तो आपका जो तीसरा आपका जो एग्जांपल हुआ आई डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है ना। तो आई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइट क्या है आपका मेन वर्ब है, ए लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। हम ए लेटर को ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा ए लेटर इज नॉट, ए लेटर इज नॉट, यानी हम राइट का मेन वर्ब है, राइट आपका क्या है मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को हम कन्वर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म के रूप में। तो क्या करेंगे रिटेन, क्या करेंगे रिटेन। उसके बाद सचिटेबल प्रयोग, सचिटेबल प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जिसे हम बाय का प्रयोग करते कहते हैं। तो क्या लिख देंगे रिटेन बाय, रिटेन बाय आई का सब्जेक्ट, आई आपका सब्जेक्टिव केस है, एजेंट के रूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा आई का मी हो जाएगा। बात समझ में आई। उसके बाद टीचर डू नॉट, टीचर डज नॉट, टीचर डज नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ अ डेज, ठीक है ना। टीचर डज नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ अ डेज, ठीक है ना। तो टीचर आपका सब्जेक्ट है, डू डज नॉट आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, और पनिश क्या है आपका वर्ब है, और ये स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट की तरह कार्यरत है। तो हम क्या करेंगे इस स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, तो आपकी प्लूरल की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लूरल की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी आर। उसके बाद क्या होगा नॉट, ठीक है ना। पनिश का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म पनिश्ड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा पनिश्ड। उसके बाद पनिश्ड के बाद आपका सच टेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाई, ठीक है ना। तो क्या बाई, उसके बाद जो आपका बाई है, बाई टीचर है ना, आपका एजेंट के बाई के बाद हम इस टीचर को हम एजेंट के रूप में कार्यरत करेंगे टीचर बाई टीचर। उसके बाद एडवर्ब के रूप में है तो नाउ अ डेज, नाउ अ डेज का प्रयोग करते हैं। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, तो इंट्रोगेटिव आपका दो प्रकार का होता है, एक डब्ल्यूएस फैमिली, एक यस या नो टाइप्स क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपका जो इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसको हम दो तरह का डिफाइन कर सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली, डब्ल्यूएच फैमिली, और आपका यस नो टाइप्स, यस नो टाइप्स, इस तरह की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश देयर, तो हम स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे समझेंगे, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पहले डब्ल्यू एच, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है मेन वर्ब, ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और इसी को हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में डिफाइन करने से पहले जो डब्ल्यू एच है ना, डब्ल्यू एच को सेम डायरेक्ट उसी तरह पकड़ते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं हेल्पिंग लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एच लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे और मेन वर्ब की क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाय का प्रयोग करके आपके एजेंट के रूप में हम क्या कर देंगे इसे डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम इस बार इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको क्या करेंगे हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो अब व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश देयर, तो हम सबसे पहले
हम इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम वाई है, डब्ल्यूएच फैमिली है, इसको ठीक हम ऐसे ही लिख लेते हैं वाई, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, डू के स्थान पर, डू के स्थान पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश। उसके बाद वर्ब क्या है आपका, स्पीक है, स्पीक आपका वर्ब है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पोकन, क्या हो जाएगी, स्पोकन, ठीक है ना, स्पोकन। उसके बाद स्पोकन, उसको अदर वर्ड है तो यहाँ देयर, बाई यू, एजेंट के रूप में कार्यरत है तो इसको हम क्या रख देंगे, बाई यू। वाई इज इंग्लिश स्पोकन देयर बाई यू, ठीक है ना। अब इस दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है आपका, दूसरे सेंटेंस की बात करें तो व्हाट है, तो व्हाट को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। डू के स्थान पर क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया इज, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो नॉन डूअर नहीं है, नॉन डूअर अगर ना हो तो इसे क्या करते हैं, हम कूव्ड कर देते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, कूव्ड, ठीक है ना, कूव्ड बाई, कूव्ड बाई यू टूडे, ठीक है ना, व्हाट इज कूव्ड बाई यू टूडे। उसके बाद तीसरा सेंटेंस की बात, तीसरा सेंटेंस की बात करें तो वेयर आपका डब्ल्यू एस फैमिली में है, तो डब्ल्यू एस फैमिली को इसी तरह से लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डू के स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, किस तरह, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो डू के स्थान पर क्या लगाएंगे, इज। आपका क्या है, ऑब्जेक्ट माय पेन है, माय आपका क्या है, पॉसेसिव केस है, आपका पेन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी आपके एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस माय पेन को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद कीप है, तो कीप का क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कीप्ड, ठीक है ना। उसके बाद बाई, जो यू है आपका एजेंट के रूप में है, तो बाई का प्रयोग सुटेबल प्रीपोजिशन है, उससे के ठीक बाद एजेंट का कार्य करेगा यू, ठीक है ना। उसके बाद डू आपका यस या नो टाइप में है, डू दे नॉट ड्राइव दिस कार, ठीक है ना, तो दिस कार आपका ऑब्जेक्ट है, ड्राइव आपका मेन वर्ब है, दे आपका सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। तो डू के स्थान पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे, डू के स्थान पर हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे, इज, ठीक है ना। उसके बाद दिस कार क्या हो जाएगा, दिस कार, दिस कार नॉट, दिस कार नॉट ड्राइविंग, ड्राइविंग बाय, देखा सब्जेक्टिव केस है, इसे ऑब्जेक्टिव केस में एजेंट के रूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डज सी लाइक यू, इसमें हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यू है, तो डज क्या है आपका, डब्ल्यू एस फैमिली में है, तो इसका स्थान पे क्या रखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, आर, ऑब्जेक्ट के लिए आर, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड। उसके बाद सी को आपका सब्जेक्टिव केस है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी का हर, सब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, ठीक है ना, लाइक्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा, एजेंट के रूप में हर, ठीक है ना। तो इसी तरह हम अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को अगले सेशन में हम उस पर बात करेंगे।